हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, बात करते हैं आज क्या है सीएसएफ राइनोरिया, क्या है दिमाग का पानी नाक से निकलना। यस दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, व्हाट इज सीएसएफ राइनोरिया? आपको कई बार डॉक्टर ने बताया होगा कि ये सीएसएफ राइनोरिया है, तो और क्या ये बीमारी है, क्या इसका इलाज होता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्या सीएसएफ राइनोरिया है। दोस्तों, सीएसएफ राइनोरिया का मतलब है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड राइनोरिया। राइनोरिया होता है नाक से पानी निकलना। दोस्तों, अगर किसी को कंटिन्यू नाक से पानी निकलता है उसको सीएसएफ राइनोरिया बोलते हैं, यानी वो पानी जो है वो दिमाग से निकलता है, यानी हमारा जो ब्रेन है जो है वो इस स्कल के अंदर जो हमारा ब्रेन एक फ्लूड में फ्लोट करता है। सो वो पानी जो है वो सीएसएफ जिसको हम बोलते हैं वो कई बार नाक के थ्रू निकलता है, तो उसको सीएसएफ राइनोरिया बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या वो लक्षण है जिससे आप ये जाने कि मेरे को सीएसएफ राइनोरिया है। आपके जो है नोज के अंदर विदाउट इफर्टलेस, विदाउट प्रॉब्लम अगर नाक के अंदर पानी निकलता है, दैट मींस कि जैसे आपको जुखाम हो गई, नाक से पानी आना स्वाभाविक है, बट आपको जुखाम भी नहीं है और आपके नाक से पानी टपक रहा है। अब वो पानी यूजुअली जब जुखाम होती है तो हमें दोनों नोज से आता है कई बार, बट जो सीएसएफ राइनोरिया का जो डिस्चार्ज है वो आपको एक नोज से ही आएगा। एंड आपको खाना खाते टाइम आ सकता है, आपको कोई वेट लिफ्टिंग के टाइम भी आ सकता है, एंड वो आपको एक या दो बूंद आपको कंटिन्यू आती रहेगी। सो ये बिना कोई कारण नाक के थ्रू टप 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 पानी का निकलना मोस्टली एक तरफ जो है सीएसएफ राइनोरिया का लक्षण हो सकता है। गॉट इट? नाउ थर्ड, दोस्तों कैसे पहचाने कि ये जुखाम का पानी है या सीएसएफ का पानी है। दोस्तों, वैसे तो जब मेडिकल में आप डॉक्टर के पास जाते हैं इसके बहुत सारे टेस्ट हैं, बट अमूमन एक घरेलू एक जो एक सेंस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात, जुखाम का जो पानी आता है वो दोनों नोज में आता है। आपको हिस्ट्री पॉजिटिव होती है कि मेरे को जुखाम है, आपको कंजेशन होता है नोज के अंदर, एंड सीएसएफ राइनोरिया में आपको क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज होता है। एंड अगर आपने आपके पेपर पे या हैंकी पे यूं आगे झुकने के बाद वो पानी अगर आपने लिया, आप ये टेस्ट घर पे कर सकते हो, आपने वो पानी आपकी हैंकी पे या एक वाइट पेपर पे लिया एंड कुछ मिनट के बाद में अगर वहां पे ड्राई होने के बाद में अगर उसमें जो है वो येलो स्पॉट है, इसका मतलब है दोस्तों आपको ये जुखाम का पानी है। एंड अगर आपका जो है वो ड्राई होने के बाद में आपका जो पानी आपका स्पॉट डिसअपीयर हो गया, आपको ये भी पता नहीं कि ये पानी यहां गिरा था, दोस्तों उसमें संभावना है आपको सीएसएफ राइनोरिया हो सकता है। देखा? सो ये अगर आपको ऐसा टेस्ट आपने किया और आपको ये लगा कि सीएसएफ राइनोरिया है, दोस्तों तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर उसका क्या है, कुछ उसका बीटा ट्रांसफेरिन टेस्ट होता है एंड उसके बाद के अंदर जो है एक नेजल एंडोस्कोपी है और उसमें एक सीटी सिस्टेनोग्राम होता है जिसमें एक डाई डाल के ये देख लिया जाता है कि ये लीक कहां से है। क्योंकि अमूमन दोस्तों इसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो हमारा नोज और जो हमारा ब्रेन है उसके बीच में एक प्लेट होती है जिसको हम क्रीमफॉर्म प्लेट बोलते हैं। वो प्लेट जो है उस प्लेट के बीच में क्या है कि लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं और उस छेद से हमारे को जो है हमारी एक नर्व होती है जिसे हमें खुशबू और बदबू का पता लगता है, उसके फाइबर्स आते हैं। दोस्तों कई बार जाने अनजाने में कोई पुराना ट्रॉमा होता है या कुछ वीकनेस के कारण है या कोई एक्सीडेंट के कारण है या कई बार बिना किसी कारण के भी वो जब छेद बड़े हो जाते हैं तो वो दिमाग और नोज के बीच का जो ये बैरियर था उसमें जब होल बन जाता है तो वो जो दिमाग का पानी जो है वो बाहर निकलने लग जाता है, जिसको हम सीएसएफ राइनोरिया बोलते हैं। सो दोस्तों ये उसका कारण है और इन टेस्ट से हमें पता लगाया जाता है। अब दोस्तों इसका इलाज क्या है? पहले तो क्या है, डॉक्टर कुछ मेडिसिन दिया जाता है अगर कोई ट्रॉमा या चोट के कारण है, तो जो हमारा दिमाग का जो प्रेशर है वो कम किया जाता है और उस दवा से जब प्रेशर कम होता है और वो हो सकता है कई बार ऑटोमेटिकली
मेडिकेशन के कारण भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो लीक बड़ा है दोस्तों, जहां से पानी निकल रहा है, तो उसको क्या है कि एंडोस्कोपिक एक सर्जरी होती है, दूरबीन के माध्यम से उसको वहां पे क्या है कि फैट और जो है ग्लू और फेशिया लगा के उसको बंद कर दिया जाता है। बाहर से उसमें कोई चीर फाड़ टांका पट्टी की जरूरत नहीं है। पहले जब दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था तो यहां से बाहर से ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन आजकल जो है ENT सर्जन उसको दूरबीन से जो है वो रिपेयर कर दिया जाता है, एंड करीब दो घंटे की वो सर्जरी होती है, एक दिन हॉस्पिटल में रहना आता है, एंड उसके बाद में आप मैक्सिमम 7 दिन बाद आप नॉर्मली अपना कामकाज कर सकते हो। कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जो डॉक्टर आपको बता दिया जाए। तो दोस्तों देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण सूचना है, क्या है CSF राइनोरिया, क्या उसका कारण है, कैसे आपको जाना है कि मेरे को CSF राइनोरिया है या नहीं। सो तुरंत इस इंफॉर्मेशन को यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड कलीग्स, जिससे आपको CSF राइनोरिया के रिगार्डिंग जागरूकता डेवलप हो सके। एंड आपका कोई रिगार्डिंग सवाल है तो डेफिनेटली यू कैन पुट माई कमेंट बॉक्स, वी डिस्कस योर प्रॉब्लम। थैंक यू।